क्या कर रहा है, 7 से 10 तक की असमीकाओं को हल कीजिए, उनके हलों को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। मतलब हल भी करना और संख्या रेखा पर, तो दो दो असमीकाएं दी हैं, तो दोनों को पहले अलग अलग सॉल्व कर लो। ठीक है, आप पहले दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, उसके बाद दोनों में जो उभयनिष्ठ मान मिलेंगे ना, वही उसके हल कहलाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। क्या करेंगे यहाँ पर, आप एक घटाओगे, एक घटाने पर दोनों तरफ एक घटा देते हैं। चलिए, 5x + 1 - 1 इज ग्रेटर देन -24 + -1, ये घटा रहे ना। चलिए, तो यहाँ कट जाएगा, 5x इज ग्रेटर देन -25। 2 से 5 से भाग कर देते हैं, 5 से भाग दीजिएगा तो 5x/5 इज ग्रेटर देन -25/5। चलिए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से ग्रेटर देन होगा -5 से बड़ा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, एक जोड़ने पर तो 5x - 1 + 1 इज लेस देन 24 + 1, यहाँ 5x आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, इज लेस देन 25। तो क्या करेंगे, 5 से भाग कर देते हैं, 5 से भाग देने पर 5x/5 इज लेस देन 25/5, ये कट जाएगा, x इज लेस देन 50/25, 5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू -5 से बड़ा है और x का वैल्यू यहाँ 5 से छोटा है, यानी कि x किसके बीच में बिलोंग करेगा, -5 से 5 के बीच में, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसका आलेख दिखाना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, तो बहुत सिंपल है यार, आप एक संख्या रेखा ले लेना। ठीक है, इधर -∞ और इधर आपका +∞, मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, तो इधर कहीं -5 है और इधर कहीं +5 है, तो -5 से बड़ा है और 5 से छोटा है ना, लेकिन उसके बीच का सारा, देखो -5 से बड़ा और 5 से छोटा, यानी कि यही इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ से यहाँ तक इसको रंग देंगे, इस तरह से डार्क कर देंगे, देख लो -5 को छोड़ दिए हैं, यहाँ 5 को छोड़ दिए, उसके बीच में ही सॉल्यूशन है इसका। समझ गए, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन